गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीजर्स। बिफोर गोइंग टू डिस्कस इंटीजर्स, फर्स्ट सभी लोगों ने होमवर्क किया है, सबमिट भी किया है, ओके मैं मानता हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फोकस करना, आपको कॉल्स आपके सिलेबस मीस आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और समझना है उसको, ओके। तो ये अपनी प्रायोरिटी में रखिए आप, कि आपको यूज़ ऑफ पेंसिल स्किल ये सारी चीज़ें करनी है, कॉस्ट्यूम राइट भी करनी है, ओके। देखिए, इंटीजर्स को समझाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिविज़न करेंगे हम। जैसे मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया आपको, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर स्टार्ट विथ वन, ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि आपका अगर हम जो नेचुरल नंबर है जिसको अगर जीरो के साथ लिख दें, इंक्लूडिंग जीरो कर दें, तो हमें नया नंबर मिलता है, वो है होल नंबर डॉट 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 अप टू एन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, नेचुरल होल नंबर, ठीक है। अब बात आती है, मान लीजिए ऐसे समझते हो एक और, अब इसमें दो नंबर, ये तो सभी पॉजिटिव नंबर हो गए, ओके। क्योंकि अगर हम दूसरे नंबर, एक और जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी चीज को 10 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और आपने उसको 8 रुपीज में बेच दिया, तो आपको कितने रुपीज का लॉस हुआ, 2 रुपीज का, ठीक है। तो इस लॉस को अगर हम -2 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव नंबर, ओके। समझ में आ गया, नेगेटिव नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को ये जो नेगेटिव माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, कौन से साइन के साथ, माइनस या नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर मैं इन सभी को मिला दूं, क्या कर दूं, इनको कंबाइन कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटीजर्स। क्या मिलेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं आपको इन सभी के साथ लिख दूं तो क्या मिल जाएगा आपको, इंटीजर्स। मीन्स आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर को एक साथ लिख दूं तो हमें क्या मिलेगा, आपको न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स इंसीडर इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर सभी आ जाते हैं। क्या आ जाता है, सभी इंटीजर्स मीन्स सभी नंबर आ जाते हैं, ओके। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये ऐसे, ओके, मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया होल नंबर को, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया आपका नेचुरल नंबर को, ओके, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया नेगेटिव नंबर को, तो होल नंबर क्या होगा, होल नंबर मान लीजिए आपका एक सिलेंडर हो गया, ये हो गया एक सिलेंडर में, अगर मैं इनको रख दूं, तो ये सिलेंडर को मैं क्या कह सकता हूं, इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर्स के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है, क्लियर। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका टॉपिक की तरफ, वो पेज नंबर 117 पर देगी आप,
ओके, हमेशा टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा करो, आप इस पर देखेंगे तो आप देखिए। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, राइटिंग तो समझ में आई है, जो ही होगी मैं बोल रहा हूँ तो आई होप। ओके, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले पिछले चैप्टर में या फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे हम आपको होल नंबर को नंबर लाइन पर ऐड और माइनस करते हैं। ओके, देखिए, तो मैंने आपको लेफ्ट और राइट बताई थी, तो ये इसका सेंटर है जीरो। ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ये होता है राइट, जिसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और ये जो होता है लेफ्ट, इसको मान लेते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड हम तरफ रिप्रेजेंट करते हैं आपके, कैसे नेगेटिव साइड से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, मीन्स लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ओके, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने पूछा आपसे -4 को रिप्रेजेंट करिए, तो -4। ओके, मैंने कहा +2, देखिए प्लस साइन कभी नहीं लगाते हम आगे। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इट मीन्स 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 2 है। ओके, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। क्लियरली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होता है नेगेटिव साइड की तरफ और पॉजिटिव साइड की तरफ। ठीक है, अब मैं ऑर्डर्स की बात करता हूं। देखिए, अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलूं, मीन्स राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करूं, तो मुझे नंबर आपके कैसे होते जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा वो। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? डिसेंडिंग। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा होता है आपका जो पॉजिटिव नंबर है वो, फिर उसके बाद जीरो, और जीरो से भी छोटा होता है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा वो होगा जो सबसे बड़ा होगा। मैंने बताया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे, मीन्स सबसे छोटे, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आपसे -25 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो आप ये मत सोचिए 25 है, नहीं, -25 और -2, तो -25 बड़ा छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए, जीरो के सबसे पास कौन है? -2, और सबसे दूर कौन है? जो जीरो के सबसे पास होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो जीरो जीरो से दूर होगा वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मीन्स आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। सॉरी, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो आपका नंबर्स क्या होगा, छोटे होते जाएंगे। क्लियरली? ओके, अब आता है नया एक्सरसाइज है आपकी। देखिए, एक्सरसाइज को करते हैं। पहले आपका एक्सरसाइज 6.1 आप ओपन करके रखिए, मैं आपको ओनली क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तो एक्सरसाइज 6.1 आपका, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ठीक है, क्या कह रहा है? राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इंक्रीज इन वेट, जैसे ए है इंक्रीज इन वेट, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। ओके, बी वाला क्या है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, मैंने हमने पढ़ ही चुके,
ए नॉर्थ, ए साउथ, ए ईस्ट, ए वेस्ट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर साउथ, ओके सी वाला। 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट, ओके डी वाला। लॉस ऑफ रुपीज 700, तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700, ओके ई वाला है। ई वाला क्या है आपका, 100 मीटर अबव सी लेवल, तो हम लिख देंगे 100 मीटर अबव का होता है बिलो सी लेवल, सी लेवल, ओके ये हो गया आपका, ठीक है। ओके क्वेश्चन जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये 1 का सॉल्यूशन था। रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन, तो देखिए ये वाला क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अबव द ग्राउंड है तो मीन्स आपका मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके नीचे ये बिलो है, तो इसको जीरो मान लेते हैं, अबव है तो 2000, तो आपका क्या आ जाएगा, एन एरोप्लेन, तो इसको लिख देंगे 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके। बी वाला क्या है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, तो देखिए तो अगर ये सी लेवल है इसको मान ले ये जीरो, तो ये नेगेटिव, तो ये माइनस 800 मीटर बिलो द सी लेवल, ओके लाइक दैट हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आपको डिपोजिट ऑफ रुपीज 200, मीन्स आपने डिपोजिट किए हैं तो ऐड हो जाएंगे, विड्रॉल करे हैं तो माइनस हो जाएंगे, ओके तो लाइक दैट आपको इसी तरीके से क्या करना करना है, ओके तो माइनस 200, ठीक है, तो सी वाला है क्या कह रहा है, अ डिपॉजिट ऑफ 200, तो प्लस 200 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं आप, लिख देंगे डिपॉजिट इन बैंक या अकाउंट। डी वाला, विड्रॉल ऑफ रुपीज 700, तो माइनस 700 विड्रॉल, क्योंकि निकाल रहे हैं ना तो कम होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। अब आता है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इनको, तो मैं बता चुका हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक अच्छा सा है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, हर क्वेश्चन के लिए अलग करेंगे, जैसे ए वाले के लिए तो ये पॉजिटिव में दिया तो आप पॉजिटिव ज्यादा ले लेना, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, मीन्स ये स्किल से खींचना आपको पेंसिल की मदद से, ये मेरा परफेक्ट नहीं है, आपको स्किल का यूज करना है, तो ये 5 यहाँ ऐसे आप एरो बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 वाला भी, बी वाला करना है, जैसे अब -10 दिया तो हम 0 को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 -9 -8 -7 -6 -5 4 -3 -2 -1, तो ये -10, ओके लाइक दैट आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बाकी आई होप आप कर लेंगे, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप इजीली कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, एडजेसेंट फिगर आप देख सकते हैं, देखिए एडजेसेंट मीन्स बगल वाला, ये वाली फिगर की बात कर रहे हैं वो, ओके ठीक है, तो आप देखते जाइएगा इसको। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, तो ये देख रहे हैं एक वर्टिकल नंबर लाइन है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट, क्या कह रहा है ए वाला, देखिए नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेना, मैं यहां बना लेता हूं, ऐसे मुझे जरूरत नहीं है,
आपकी सहूलियत के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी तरफ से इसको जरूर बनाएं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो दिया हुआ है, वो ये कह रहा है, ये वाला मैं करता हूँ, इफ पॉइंट डी इज प्लस एट, अगर डी यहाँ पे प्लस एट है, यहाँ है प्लस एट है, तो देन विच पॉइंट इज माइनस एट, तो वो पूछ रहा है। तो देखिए जीरो से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख देंगे एफ इज एट माइनस एट, तो माइनस एट पर कौन सा पॉइंट है, एफ है, ओके। बी वाला, इस पॉइंट जी आर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर है, तो आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से बिलो जो आएंगे नीचे, जीरो के अबव पॉजिटिव होंगे, जीरो के बिलो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो जी है माइनस सिक्स पर, तो जी एट माइनस सिक्स मिस नेगेटिव इंटीजर से आप लिख सकते हैं। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, तो बी के लिए तो हो जाएगा प्लस आपका 4, और ई के लिए हो जाएगा माइनस 10, आप लिख सकते हैं बी एट प्लस 4 और ई एट माइनस 10, ओके। डी और ई वाला आप करेंगे, विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, तो ई की लीस्ट वैल्यू, लीस्ट यानी सबसे कम, तो ई की डी वाले का लिख देंगे ई एट माइनस 10 हैज लीस्ट वैल्यू, ओके। क्या लिख सकते हैं आप, लीस्ट वैल्यू, ओके। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग यानी पहले सबसे बड़ा, तो आप काउंट कर लेना और लिखते जाना, ये आप खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, जैसे ए, क्वेश्चन नंबर मैं यहीं मार्क कर देता हूं, ये है आपका, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन देखिए, सियाचिन 10 डिग्री बिलो जीरो मीन्स माइनस में है टेम्परेचर, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2 डिग्री बिलो जीरो मीन्स माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद एवोव में क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस प्लस, ये भी दिल्ली का 20 डिग्री प्लस, ओके सेल्सियस, श्रीनगर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम, ये मैंने लिख दिया है, आपको ये टेबल बनाना है और लिखना है, ओके। मैंने ये लिख दिया, तो आपको कोई इश्यू नहीं। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर, तो देखिए पहला है माइनस 10, तो माइनस 10 पर कौन सा है, यहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर किसको, माइनस 10 पर क्या है, सियाचिन, सियाचिन। दूसरा है माइनस 2 डिग्री पर, शिमला, देखो 1 2, देखिए 1 2 माइनस 2 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है आपका शिमला, ये बुक में नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है नोटबुक में, फिर उसको लिखना है, क्लियर है, ओके। फिर है आपका अहमदाबाद एवोव 30 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ओके। फिर है आपका दिल्ली 20 डिग्री है, वो यहां पे आ जाएगा दिल्ली, नोटबुक में करना और स्केल से इसको ड्रॉ कर लेना। श्रीनगर माइनस 5 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा श्रीनगर, ठीक है। ये इसलिए ड्रॉ इसमें कर रहा हूं कि आपको इजीली समझ आ सके, ओके। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो कूलेस्ट प्लेस है आपकी सियाचिन, क्योंकि माइनस में, और जितना कम होगा, जितना माइनस में होगा वो उतना ही कम होगा, सियाचिन। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से ज्यादा है किसका, दिल्ली का और अहमदाबाद का, दिल्ली और अहमदाबाद, अहमदाबाद, ओके। स्पेलिंग उसमें दी है, लिख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा,
और बुक में नहीं करना, ये नोटबुक में आपको करना है पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमेशा नंबर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलोगे आप तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मीन्स राइट में सबसे बड़ा आएगा और फिर लेफ्ट में सबसे छोटा। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, राइट में होगा, जो सबसे छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 और 9, तो 9 बड़ा है इसमें, तो 9 क्या होगा, राइट में होगा और 2 लेफ्ट में। ओके, तो वो क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो 9 आप लिखेंगे इसमें, मैंने बता दी कैसे समझ में आ गया होगा, जो बड़ा होगा वो राइट में होगा, जो छोटा होगा वो लेफ्ट। तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 9 इज राइट टू 2, मीन्स 2 के राइट में कौन होगा, 9। जैसे मैं बी की बात करूं, -3 और -8, तो इसमें से बड़ा कौन है, -3, तो हम लिख देंगे -3 इज राइट टू -8। ओके, ऐसे ही 0 और 1, तो 0 और 1 में 0 बड़ी है तो लिख देंगे 0 इज राइट टू -1। ओके, लाइक दैट आपको सारे लिखने हैं। अब मैंने समझा दिया, जो बड़ा होगा वो राइट में होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। क्या कह रहा है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 20, सॉरी 7 वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, का सॉल्यूशन ए। क्या कह रहा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। ओके, तो देखिए ए वाला देखते हैं, ए वाला हमें 0 और 0 and -7, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो -7 क्या है, सबसे छोटा है, तो -7 -6 ऐसे लिख देंगे हम, -5 -4 आएगा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मीन्स इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो आप सबसे छोटे से स्टार्ट करिए और चलते जाइए। अगर बी वाले की बात करूं मैं, तो बी वाला हमें दिया -4 2 and 4, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, लाइक दैट आपको ऐसे इस तरीके से आपको लिखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आपके 2 मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, -8 और -15। ओके, सॉरी सी वाला और डी वाला 7th का, तो आप कर सकते हैं इन दोनों को, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम, का सॉल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, -20 से जो ग्रेटर है ए वाला उनको लिखना। तो -20 से ग्रेटर कौन से है, जो -20 से आपके छोटे, मीन्स आपके जो राइट में होंगे, तो -20 के राइट में कौन से होंगे, आप अगर नंबर लाइन से मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, ये -20 है, -19 -18, ये राइट ही तो है ना इसका, -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10, तो इससे कितने लिख दें, ग्रेटर देन लिखने, तो 19 18 17, तो लिख सकते हैं
minus 19, minus 18, minus 17, and minus 16. A greater than 10. Write four integer less than. तो less than आपके means आपको right to left चलेंगे तो less number आएंगे, left to right चलेंगे तो आप greater number आएंगे. तो B वाला है आपका minus 10 से करना है आपको. तो ये number line draw करूँगा मैं, यहाँ से 10 से start करूँगा, होता है 0 से है वैसे. minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15. तो आप लिख सकते हैं minus 11, minus 12, minus 13 and minus 14 is less than 10, minus 10. Okay? Question number 9. Solution. For the following statement, write true or false लिखना है. क्या लिखना है? True or false. क्लियर है? देखिए ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें, इसके लिए लिख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए, मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रू है तो क्यों है और आपका फॉल्स है तो क्यों है. माइनस ए 8 इज राइट टू ऑफ माइनस 10 ऑन अ नंबर लाइन. सही है क्यों है? देखिए ये इसमें लिखेंगे ट्रू. ट्रू क्यों है मैं बता देता हूँ आपको. जीरो, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10. आप देख सकते हैं ये 10 है, ये 8 है. तो वो क्या कह रहा है? माइनस 8 इज टू द राइट ऑफ माइनस 10 ऑन अ नॉर्मल लाइन. यस, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू. बी वाले की बात करते हैं. माइनस 100 इज टू द राइट ऑफ माइनस 50 ऑन अ नंबर लाइन. ये फॉल्स हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. देख सकते हैं आप, ऐसे ही ले लो. मान लो ये 50 है और ये 100 है, तो कौन सा है? तो 100 लेफ्ट में, 50. ओके, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस 1. नहीं, ये भी फॉल्स है. माइनस 1 तो बड़ा है सबसे नेगेटिव इंटीजर्स में. माइनस 26 इज ग्रेटर देन माइनस 25. ये भी फॉल्स है. तो आपका बी वाला भी फॉल्स, सी वाला भी फॉल्स और डी वाला भी फॉल्स. क्लियर? तो ये इन दिस वे आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो फिनिश हो गई है. आपको एक अच्छे तरीके से इसको करना है. ओके, और कोशिश ये करिए नीट एंड क्लीन और गुड हैंडराइटिंग में आप लिखिए इसको. आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं और आप मुझे वर्क सबमिट कर सकते हैं बिफोर 5 PM एवरी डे. ओके, और ध्यान रखिए आपको जो डायग्राम मैंने बताए हैं वो आपके स्केल और पेंसिल से बने होने चाहिए. क्लियर है? और कोशिश ये करिए, मैंने अगर दो सवाल करवाए तो बाकी के दो आप खुद से करिए. ये नहीं सिर्फ दो ही सवाल करने हैं उसमें. ओके, थैंक यू.